खबर पिहोवा हरियाणा से है। पिहोवा में पहुंचे सांसद नायब सिंह सैनी ने ड्रेन पुल को लेकर कहा कि बजट पास हो चुका है, 10 दिन में पुल की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन 2 महीने से बंद पड़े ड्रेन पुल को हर अधिकारी द्वारा 10 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन आज तक नहीं हुआ काम शुरू। सरपंच के विषय में बोलते हुए कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए दोनों कानून सही है, वहीं तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का दावा भी कर डाला। प्राइम मेगा न्यूज शनि के लिए पिहोवा से कुलवंत सिंह की रिपोर्ट। हाँ सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से हरियाणा सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने ये बना दिया, पुल बना दिया, और पिछले काफी समय से तो एक मांग थी कि ये पुल बहुत जल्दी बनकर तैयार हो रहा है, इसके टेंडर भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं लगा, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, इसका टेंडर भी हो गया है, और क्योंकि पुराना पुल है और पुराने पुल के कारण थोड़ी दिक्कत उसके अंदर आई है, और उसके कारण से वो बंद कर दिया गया। जल्दी ही लगभग 10-1 दिन तक एक डाइवर्सन पुल दे करके यहाँ पर 4 लाइनिंग के 2 पुल बनेंगे, और उसको लेकर के इसको पूरे को डिसमेंटल करके जल्दी ही पेवा वासियों को यहाँ पर आने जाने के जो रास्ते हैं वो ठीक रहें, उसको लेकर के ये जल्दी ही 10-15 दिन के अंदर डाइवर्सन का मिल करके आगे काम चालू हो जाएगा। इसके ऊपर इसका सारा बजट आ गया, इसका टेंडर हो गया। और हाईवे को लेकर काफ़ी समय से मांग थी कि अंडरपास का रास्ता दिया जाए, लेकिन काफ़ी समय से आपको भी कई बार अवगत करवाया गया। नहीं, उस विषय को सेंटर में भी अवगत करवाया गया, उस विषय को मैंने लोकसभा के अंदर भी उठाया था, और जल्दी ही क्योंकि आदरणीय गडकरी जी को हमने लिख करके दिया है, और उसके ऊपर जो NH के अधिकारी हैं वो सारा का सारा वर्किंग कर रहे हैं, और वर्किंग करने के बाद यहाँ पर एक अंडरपास की हमने जो मांग की थी शायद जल्दी ही पूरी हो जाएगी। हरियाणा सरकार की हरियाणा में काफ़ी स्थानों पर विरोध हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इन प्रदर्शनों को सरकार भी रोक नहीं पा रही, उनके साथ सहमति नहीं कर पा रही, क्या किस बात के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? आपने देखा कि महिला कोच को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं पर सरपंचों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं? नहीं देखिए, क्योंकि इसकी SIT बनी हुई है, उसकी जांच चल रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है, परंतु आरोप लगाना एक अलग बात है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी बोल सकता है, परंतु जब जांच के अंदर उसकी कोई बात आएगी, उसके बाद का कोई विषय है इस प्रकार के। और सरपंचों की जो आपने विरोध की बात की है, उसके अंदर भी यही विषय है, क्योंकि हम ये बार बार पूछ रहे हैं कि 2 लाख रुपए उसके अंदर किया है, और 2 लाख रुपए में आप भी टेंडर लगाइए, ये सरपंच के हित में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि हर रोज़ सरपंच की कभी कोई RTA लगाता था, कोई CM विंडो लगाता था, और कई बार तो सरपंच इस प्रकार की भी बात बोलते थे कि भाई हमारे पास से तो वैसे ही साइन करा लिए। आज ना कोई RTA लगाएगा सरपंच की, ना कोई CM विंडो लगाएगा, वो 10 लाख का काम करें, 20 लाख का काम करें, 30 लाख का काम करें, सरकार का ध्येय आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि हमने विकास करना है, विकास की गति को बढ़ाना है, और इसी बात को लेकर के, क्योंकि अगर कोई छोटा काम है उसके अंदर 2 लाख रुपए का अधिकार सरपंचों को दिया है कि वो उसके अंदर छोटा काम कर सकते हैं, परंतु जो बड़े काम है और उसकी टाइम लिमिट भी कम की है, मान ले आज टेंडर लगता है, 3 दिन के अंदर वो टेंडर खुल जाएगा, 3 दिन के बाद आप काम चालू कर सकते हैं, और जितना मर्जी बड़ा टेंडर लगाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप जल्दी काम कर सकते हैं, एक विकास की गति को बढ़ाना वो सरकार का ध्येय है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी समान रूप से विकास कर रहे हैं, और इस जो ये पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी का स्वागत करना चाहिए मैं कहता हूँ, क्योंकि सरपंचों को किसी प्रकार की जुम्मस या दिक्कत नहीं है, वो हर चीज़ से बाहर है, नहीं तो सरपंच काम ही नहीं कर पाता है, अगर किसी ने CM विंडो लगा दे या किसी ने RTI लगा दे, वो काम ही नहीं कर पाता सरपंच। आपको लगता है कि सरपंचों के जो पावर पोस के जो सरपंच जो पद है उसकी गरिमा को कम किया, क्योंकि इनको जो पावर थी स्टार्टिंग में क्या था कि पंचायतें ही होती थी, अपने तरीके से कार्य करती, गाँव में विकास के, अब भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उनको ऊपर कोई दबाव या किसी प्रकार का नहीं है, इस सारे लोकतंत्र की कड़ी के अंदर सरपंच ही तो ऐसा व्यक्ति है जो पैसा खर्च करता है वहाँ पर, क्योंकि मान लिया MB थी, अधिकारी को बोलते थे कि मेरे पास से ये दबाव में साइन करा लेगा, अब किसी MB की जरूरत नहीं है,
किसी और की जरूरत नहीं है। मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ कि इसके अंदर सरपंच सुखी है, उसके ऊपर कोई आरटीआई लगा नहीं, तो गांव के अंदर आरटीआई लगा लगा करके सरपंच को काम ही नहीं करने देते। तो क्या वजह है कि सरकार के दखल से सरपंच नाराज है? नहीं देखिए, दखल से नाराज तो नहीं, हम तो समझाने की बात कर रहे हैं कि वो आपको बिल्कुल सुरक्षित इस सरकार ने किया है, आपको दिक्कत नहीं, आप काम करिए। आप 10 लाख रुपए का टेंडर लगाइए, आप 20 लाख का टेंडर लगाइए और 3 दिन के अंदर टेंडर खुल जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो आगामी हरियाणा की जो नीतियों के बारे में कह रहे हैं, देखिए मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर समान रूप से विकास किया है, जबरदस्त विकास किया है, और कांग्रेस या किसी और दल के पास मुद्दा नहीं है, और जब मुद्दा नहीं होता है तो इधर उधर की बात और झूठ का सहारा लेकर के लोगों में एक गुमराह और लोगों को उकसाने वाले बातें विपक्ष कर रहा है। विपक्ष के पास आज विधानसभा में नहीं रखने के लिए कुछ है, विधानसभा के बाहर नहीं है, झूठ का सहारा लेते हैं, परंतु आज समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज हर व्यक्ति अपने आप को इस सरकार के अंदर सेफ महसूस कर रहा है। आज मेरे ख्याल से लगभग जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने चिरायु कार्ड दिया है वो 29.5 लाख परिवारों को दिया है, 125 करोड़ लोग इसके अंदर कवर हुए हैं और उनको लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अगर हम देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले समय से 7 टाइम ज़्यादा बजट बढ़ा करके दिया है, ताकि ये सोच है कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए और 2024 तक हर व्यक्ति को मकान मिले, इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो लगे हुए हैं। आज तो सरकार ऐसी है, मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर की जो गरीब की चिंता कर रही है, जो आम व्यक्ति की चिंता कर रही है, और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक चिन्हित करके, टारगेट करके, उसको देख करके उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज अगर 100 रुपया सरकार भेजती है तो 100 रुपया सीधा डायरेक्ट व्यक्ति के पास मिल रहा है, और नहीं तो पहले तो आप लोगों के सामने बीच में से खुर्द बुर्द हो जाता था और खुर्द बुर्द होने के कारण से लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाता था। लोग ऐसा ऐसा महसूस करते थे वोट देने के बाद भी, और फिर विकास की वो गति नहीं चलती थी। आप लोगों के सामने इतने लंबे समय के अंदर हमने देखा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब भी कोई सरकार बनती थी उससे पहले तो बड़े बड़े वायदे होते थे, परंतु उसके बाद वो उसी ढर्रे के ऊपर चलती थी जो उनका एक पैटर्न था। परंतु मनोहर लाल जी ने पूरे, जब से हरियाणा अलग हुआ है, जितने भी मुख्यमंत्री आए सबने काम किया, ऐसा नहीं हम कहते, परंतु मनोहर लाल जी ने एक लीक से हट करके हरियाणा को नई दिशा देने का काम किया है, वो मजबूत हरियाणा बनाने का काम किया है, और आने वाले समय के अंदर लोग संतुष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बनेगी, और उससे पहले तो 2024 का चुनाव है। 2024 के अंदर क्योंकि जो योजनाएं बनी हैं, कल परसों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16,800 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त डाली है, और